अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रोहडू के तांगड़ गांव में हुए भीषण अग्निकांड प्रभावितों के लिए राहत कोष एकत्रित किया गया। कार्यकर्ताओं ने शहर भर से चंदा एकत्रित कर प्रभावितों को मदद करने का प्रयास किया। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा रोहडू के तांगड़ गांव में हुए भीषण अग्निकांड प्रभावितों के लिए राहत कोष एकत्रित किया गया। इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक सामाजिक संगठन भी है और समय समय पर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान सुनिश्चित करवाता है। इसी कड़ी में भीषण अग्निकांड के प्रभावितों को मदद देने के उद्देश्य से राहत कोष एकत्रित किया गया ताकि राहत कार्यों में उन्हें मदद मिल सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई के द्वारा मंडी जिले के अंदर जो है रोहडू गांव जो तुंगड़ू गांव है वहां पे जो आग के कारण जो राख हो गया था पूरा का पूरा गांव, उसके लिए जो वहां पे आज यहां पे मंडी में जो है रात को इकट्ठा किया गया, जिसमें विद्यार्थी सद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। एक विद्यार्थी सद छात्र संगठन के साथ साथ एक क्या बोलते हैं एक छात्र संगठन के साथ साथ एक सामाजिक संगठन भी है, जैसे बोलते आए हम, और समाज में इस तरह की घटनाएँ घटती है तो विद्यार्थी सद उसके लिए जो है आगे आके जो है इसका सहयोग करता है। और आज भी विद्यार्थी सद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जो है धन एकत्रित किया और अधिक से अधिक धन एकत्रित करने की कोशिश रहेगी, जिससे हम उन तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएं जो है पहुँचा सकें। शिमला ये पूरे प्रदेश के अंदर जो है इस तरह का जो है ये कलेक्शन जो चली हुई है, इसके रात को विद्यार्थी सद के कार्यकर्ता जो इकट्ठा कर रहे हैं, और हमारी ये अधिक से अधिक कोशिश रहेगी कि सभी लोगों को उन लोगों तक हम ये चीज़ें पहुँचाएँ और लोगों तक जाएँ और लोगों को अप्रोच करें कि इस तरह की घटनाएँ जो हमारे समाज के अंदर इस प्रदेश के अंदर जो देखने को मिली है उसके लिए जो है आगे चल के उनकी सहायता करें। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।